हमारे मुस्लिम भाई मानते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा साहब जो है अल्लाह के रसूल हैं। कुरान स्क्रिप्चर पूरी किताब के अंदर 6336 आयतों के अंदर कहीं भी क्लियरली ये नहीं कहता कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं जिन पर कुरान नाजिल किया गया। पूरी किताब में कहीं नहीं कहता, लेकिन लोगों का ईमान है, लोगों का यकीन है। अब ये ईमान और ये यकीन कहां से है जब आप साबित नहीं कर सकते कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? अगर कोई ये साबित कर दे मुझे स्क्रिप्चर से कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो मैं इस्लाम। समीर नाम का ये आदमी, मौजूदा सिद्धार्थ या जो भी है, कहने लगा पूरे कुरान में कहीं पर भी कोई ये दिखा दे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है किसी आयत में अगर ये हो। अरे ओ बेगैरत बदबख्त, तूने कभी कुरान को समझा होता, पढ़ा होता तो तू जानता कि कुरान क्या है, और तूने कभी आका की अजमत को कभी सलीके से देखा होता, जाना होता तो तेरी समझ में आता। ये दौरे पुरफितन है मेरे अजीजों, नित नए अंदाज से फितने हमारे सामने आ रहे हैं, नए नए फितने जन्म ले रहे हैं, और इन फितनों को देखकर फिर आका के फरामीन अपनी आंखों के सामने रखें, निगाहों के सामने रखें। ताजदारे मदीना ने फरमाया, कायनात के वाली कायनात के मालिक को मुख्तार ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, कयामत की निशानियां मेरे आका ने बयान फरमाई कि कयामत से पहले दज्जाल आएगा, एक दज्जाल नहीं सैकड़ों दज्जाल आएंगे। याद रखना मेरे अजीजों, वो बड़ा दज्जाल तो बाद में आएगा, मगर छोटे छोटे दज्जाल तो आ रहे हैं, नए नए रूप बनाकर, नए नए अपने अंदाज बनाकर आ रहे हैं। कभी कोई फितना कोई दज्जाल गोहर शाही बन के आ रहा है जो इमाम मेहदी होने का दावा कर रहा है, कभी कोई दज्जाल आ रहा है तो वो उसका चेला चपाटा बनकर यूट्यूब पर जो आज दज्जाल बैठे हैं जो तमाम कुफरियात बक रहे हैं, ये सब दज्जाल है मेरे अजीजों। और ये भी देखो, और भी कई दज्जाल हैं, कई दज्जाल ऐसे हैं जो दरबार लगा लगा के चिट्ठियों पे नाम लिख कर बता रहे हैं, ऐसे दज्जाल हैं जो चिट्ठियों पर नाम नंबर घर के एड्रेस लिख कर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमने यहाँ किसी को नहीं बताया, मगर देखो ये हमारा चमत्कार है, ये हमारी शक्तियाँ हैं कि हम तुम्हारे घरों के एड्रेस बता रहे हैं। याद रखना मेरे अजीजों, ये तो पर्चियों पर नाम बता रहे हैं, मगर वो जो बड़ा दज्जाल आएगा, मेरे आका ने फरमाया, वो तो बारिश भी बरसा के दिखाएगा, वो तो जमीन से खजाने भी निकाल के दिखाएगा। इन दज्जालों के मुकाबले सिर्फ मोमिन टिकता है, ईमान वाला टिकता है, जिसके सीने में ईमान मजबूत हो वो टिकता है, जिसका ईमान कमजोर हो वो बहक जाता है। तो बहकने लगे हैं इन दज्जालों को देखकर, और फिर बहकता वो है जिस पे जिसका ईमान कमजोर होता है, और फिर वो कितना बदबخت इंसान होगा ना कि अल्लाह ने जिसे अपना दीन दिया हो, जिसे अल्लाह ने तौफीक सजदा तौफीक बंदगी दी हो, फिर ये अल्लाह का अजाब नहीं तो क्या कि अल्लाह उससे अपना दीन वापस छीन ले, उससे सजदों की तौफीक छीन ले, अल्लाह ताला उसे गुमराहियों में ढकेल दे, ये उसके लिए कितनी बड़ी बदबख्ती और बदनसीबी की बात है। अब ऐसे फितने भी हमारे सामने हैं। उन दज्जालों की फहरिस्त में एक दज्जाल है जिसका नाम पहले कभी समीर होता था, अब गालिबन सिद्धार्थ या कुछ और नाम होगा। और ये आज मैं इसलिए ये बात बयान कर रहा हूं कि यूं तो उसके जो फजूल बातें और कुफरियात हैं वो बहुत पहले की हैं, कई साल पहले की, लेकिन अब आकर वो YouTube पर और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने लगी हैं। तो मैं ज़िमनन इसको अर्ज करता हुआ चलूं, एक दज्जाल है समीर नाम गालिबन पहले था, अब उसका नाम, हम तो ऐसे लोगों पर कभी तवज्जो भी नहीं करते क्योंकि ऐसे लोग तो कितने बड़े बदनसीब, इस लायक ही नहीं है कि उनकी बात की जाए, इस लायक नहीं कि उनका हम नाम भी ले अपने, लेकिन हाँ उन लोगों की बातें सुनकर हमारे लोग उनके जहनों में कोई सवाल ना रहे, बाकी कोई खदशा ना रहे, इसलिए चंद बातों की वजाहत करना जरूरी हो जाता है। समीर नाम का ये आदमी, मौजूदा सिद्धार्थ या जो भी है,
कहने लगा पूरे कुरान में कहीं पर भी कोई ये दिखा दे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है किसी आयत में अगर ये हो। अरे ओ बेगैरत बदबख्त, तूने कभी कुरान को समझा होता पढ़ा होता तो तू जानता कि कुरान क्या है, और तूने कभी आका की अजमत को कभी सलीके से देखा होता जाना होता तो तेरी समझ में आता। कहता है कि मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा अगर कोई दिखा दे कुरान में कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। पहली चीज तो ये कि अल्लाह तबारक व ताला को अगर तू पसंद होता तो कल तुझे अल्लाह अपने दीन से न निकालता। तू ईमान लाए न लाए इस्लाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे ईमान लाने न लाने से इस मजहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ने तो खुद कुरान मजीद में फरमा दिया कि ये मुर्तद ये अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। सारी दुनिया के ये जो आजकल चल रहा है ना एक्स मुस्लिम अब हमारे अच्छा दज्जाल को दज्जाल नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा। हमारे मुल्क की एक अजीम शख्सियत हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हमारी मीडिया को दज्जाली मीडिया कहते हैं, कहते हैं ये भी दज्जाल के फितनों में से एक फितना है। तो दज्जाल को दज्जाल ना दिखाए तो कौन दिखाए। तो उस दज्जाल को हमारी दज्जाली मीडिया ने बाज़ाब्ता नेशनल टीवी पर न्यूज एंकर ने उसको बिठाकर उससे सवाल उसके सुने और वहां पर रखे टाइटल इन लोगों ने बनाए दज्जाली मीडिया ने कि आखिर क्यों एक्स मुस्लिम बनते जा रहे हैं, मतलब क्यों लोग इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। मैं इस दज्जाली मीडिया को भी बताना चाहता हूं ये तो नजर आ गया कि अगर दो चार ने इस्लाम को छोड़ दिया तुम्हें नजर आ गया तुमने उसे अपने चैनल पर दिखा दिया, लेकिन जो हजारों की तादाद में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं कभी तुम्हें तौफीक मिले तो वो भी जरा अपने चैनल पर दिखाओ, कभी तुम्हें अगर वक्त मिल जाए तो वो भी दिखाओ। दुनिया में अगर कोई मजहब सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है तो वो फकत मजहब अबे इस्लाम फैल रहा है। ईसाई यहूदी और जाने किन किन मजाहिब के लोग तेजी से इस्लाम में आते जा रहे हैं, इस्लाम का कलमा पढ़ते जा रहे हैं। ईसाइयों के बड़े बड़े आलिम बड़े बड़े पादरी जब उन्हें हक नजर आ गया तो उन्होंने इस्लाम का दामन पकड़ लिया पैगंबरे इस्लाम का कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान हो गए मेरे अजीजों। मगर दज्जाली मीडिया वो सब नहीं दिखाएगी, इसे दिखाना है तो वो दिखाएगी जिसमें इसे मजा आए इसके आका खुश हो जाए, इसे बस ये है कि इस्लाम की किसी भी तरह तौहीन हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम दिखाएंगे उसको, वो कह रहा है न्यूज एंकर भी बैठा हुआ सुन रहा है उसकी बातों को, शायद वो कोई लेडी है वो सुन रही है, वो कह रहा है कि पूरे कुरान में कहीं दिखा दो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, ऐसा कहीं कुरान में हो। जवाब तो कई सारे हैं, बात आगे करनी है दो चार जवाब इसके दे दूं ताकि अपने लोगों के पास जवाब हो जाए, कभी कोई उनसे सवाल करे तो वो बरजस्ता उसको जवाब दे सके। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं कहीं पूरे कुरान में तुझे नहीं मिला बदबख्त, हम तुझे दिखाएं। पहली चीज तो ये कि मेरे आका के सिफाती नाम बहुत सारे हैं और कुरान में सिफाती नामों को लेकर अल्लाह ने बार बार अपने महबूब का जिक्र किया। परवरदिगारे आलम ने कहीं मेरे आका को या अय्युहल मुज़म्मिल का खिताब दे के पुकारा, कहीं अल्लाह ने या अय्युहल मुद्दसिर का खिताब दे के पुकारा। अल्लाह ताला ने इन अलग अलग नामों से अपने महबूब को पुकारा, यासीन कह के पुकारा ताहा कह के पुकारा, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर जब रिसालत का ऐलान किया अपने महबूब की नबूवत का ऐलान किया, पढ़ो कुरान कुरान मजीद की सूरह फतह और सूरह फतह की आयत नंबर 29 के अंदर अल्लाह ने फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह, फरमाया अल्लाह ताला ने अपने कलाम में कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इतना वाज़े लिखा हुआ है
मगर इस बेगैरत को कहीं नजर ही नहीं आया। सूरह फतह आयत नंबर 29, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसके अलावा आगे बढ़िए, परवरदिगार आलम ने सूरह आल इमरान आयत नंबर 144 के अंदर फरमाया, अल्लाह ताला का कुरान कहता है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यहां पर भी ऐलान कर दिया, परवरदिगार ने यहां पर भी फरमा दिया कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और आगे बढ़ो, उस बदबख्त को कहीं पर नजर नहीं आया। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 पढ़ो, अल्लाह का कुरान कहता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में किसी के वालिद नहीं हैं, मगर वो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। नबुवत का सिलसिला उन पर खत्म है, आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, आखिरी नबी। मुतादिद मकामात पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर अपने महबूब का तस्किरा किया, अपने महबूब के जाती और सिफाती दोनों तरह के नामों से। हुजूर का एक जाती नाम अहमद है, एक जाती नाम मोहम्मद है। मोहम्मद पर हमने अभी तबसरा किया, कुरान की आयतें सुनाई। अहमद भी हुजूर का जाती नाम है और ये भी कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, कुरान मजीद सूरह सफ के अंदर मौजूद है। परवरदिगार आलम ने फरमाया, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहू अहमद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को यह ऐलान किया और बताया कि मैं बशारत दे रहा हूँ, खुशखबरी सुनाई कि मेरे बाद में अल्लाह का आखिरी रसूल दुनिया में आने वाला है जिनका नाम अहमद होगा। ये ताजदारे मदीना पर उंगलियां उठाने वाले बदबख्त, ये वो लोग हैं, इन्होंने सबसे पहले सर उस दौर में उठाया जब मेरे आका ताजदार मदीना वालिये कायनात हयात जाहिरी आपकी मुकम्मल हुई, उस दौर में इन्होंने सर उठाया। मगर इनके सर को कुचलने वाली जात हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात, फिर हजरत उमर ने इनके सरों को कुचल के रख दिया। अब हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ये जो नस्ल है ना मुर्तद लोगों की, ये अब सर उठा रहे हैं, अब ये मॉडर्न बन के आए, एक्स मुस्लिम के नाम से आ रहे हैं, कह रहे हैं जी हमें समझ में नहीं आया इस्लाम। मैं बताना चाहता हूं बदबख्त, तो तुम्हें इस्लाम समझ में कैसे आ सकता है? इस्लाम उसको समझ में आता है जिसकी समझ को अल्लाह पाक कर दिया करता है। इस्लाम उसकी समझ में आता है, पैगंबर इस्लाम की अजमत उसकी समझ में आती है जिसकी समझ को अल्लाह पाक कर दिया करता है। अल्लाह ताला जिसकी सोच को पाक कर दिया करता है। अब नापाकी और गिलाजत जहां पर भरी हो वहां इस्लाम समझ में नहीं आ सकता है। मगर ये फितने सर उठा रहे हैं मेरे अजीजों, दूर रहें इन फितनों से और इन पर तवज्जो भी ना दें और इस ये भी फिक्र ना करें। अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाह को जरूरत ही नहीं है ऐसे लोगों की। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना इस्लाम का, ना मुसलमान का, ना अल्लाह का। अपनी आखिरत और अपनी दुनिया तबाह कर रहे हैं, दुनिया में जिल्लत के सिवा कुछ नहीं, आखिरत में तो तबाही और बर्बादी है ही इनके मुकद्दर में। अपना ईमान मजबूत रखें, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करें, अपना ईमान इतना मजबूत कर लें, इतना मजबूत कर लें कि दुनिया आपकी मिसाल देने लगे कि हाँ ये नबी का गुलाम है, हाँ ये मुस्तफा का दीवाना, हाँ ये नबी का आशिक है। हुजूर के सहाबा ने हुजूर से सच्चा इश्क किया, सच्ची मोहब्बत की, क्या वफादारी का जज्बा था,
क्या मोहब्बत थी, जानिसारी का जज्बा। अल्लाह अकबर। गौर फरमाएं, ताजदार मदीना वाली कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खत आया। कहां से आया? एक झूठे नबी, नबुवत का झूठा दावेदार, मुसैलमा कज़्ज़ाब, उसने खत भेजा। उसमें लिखा हुआ था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम हमसे समझौता कर लो। क्या? उसने लिखा, या तो तुम यूं करो कि अपने इलाके के तुम नबी और अपने इलाके का मैं नबी, हमारा तुम्हारा झगड़ा खत्म, या फिर यूं करो जब तक तुम हो तुम नबी, तुम्हारे बाद में ऐलान कर दो कि मैं नबी। अरे अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि महबूब पर नबूवत को खत्म कर दिया, दरवाजा बंद हो गया नबूवत का। तो नबूवत का दरवाजा ही बंद हो गया तो फिर नबी कहां से आएगा, पैगंबर कहां से आएगा? तो फिर मेरे अजीजो गौर करो, अल्लाह तबारक व ताला ने तो नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। हुजूर पाक साहिबुल औलाक ने उस खत के जवाब में पीछे उसके जवाब लिखा। जवाब में क्या लिखा? मेरे आका ने लिख दिया, मुसैलमा तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। हुजूर ने लिखा खत का जवाब, और उसके बाद में हुजूर ने अपने सहाबा से फरमाया, कौन है जो इस खत को लेकर जाएगा? सारे सहाबा बैठे हुजूर के, चंद सहाबा के दरमियान हुजूर थे, एक सहाबी, एक हुजूर के आशिक, ताजदारे मदीना से मोहब्बत करने वाले एक सहाबी आगे बढ़े। सर पे खजूरों की टोकरी रखी है, मुंह के अंदर खजूर है, खजूर की गुटली है मुंह के अंदर। कहने लगे, या रसूल अल्लाह इजाजत दे मैं लेकर जाऊंगा। जैसे ही आपने फौरन कहा तो खजूर की गुटली मुंह से निकल के गिरी। दूसरे सहाबा ने कहा, पहले खजूर खा लो बाद में बोलना। लेकिन ये दीवाना तड़प गया, हुजूर ये मौका मुझे अता करें, ये खिदमत मुझे अता करें। इस जानिसार का, इस वफादार का नाम क्या है? इस जानिसार का नाम है हजरत हबीब बिन जैद रदियल्लाहु ताला अन्हो। फौरन आ गए, हुजूर मैं लेकर जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया ठीक है। ताजदारे मदीना ने खत दिया का, लेकर चले जाओ। खत लिया का हुजूर बस घर जाके अभी वापस आया। घर पर गए, खजूरों की टोकरी रख दी। अब थोड़ी देर के बाद में घर से निकल के आए तो अंदाज बदला हुआ है। ये हजरत हबीब बिन जैद अब तक तो खजूरें बेचते फिरते थे गलियों में, बाजारों में, मामूली सा सादा सा लिबास पहना करते थे। लेकिन अब जो निकल के आए हैं घर से तो बड़ा कीमती, बड़ा उम्दा लिबास पहन के आए। तो सहाबा ने कहा, ए हबीब तुम तो बड़ा सादा सा लिबास पहनते थे, अब इतना महंगा, इतना कीमती लिबास। हजरत हबीब बिन जैद ने जवाब दिया, लोगों अब मैं वो हबीब नहीं, वो आम इंसान नहीं। कहने लगे, अब मैं वो नहीं जो खजूरें बेचा करता था, अब तो मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कासिद हूँ, हुजूर का कासिद हूँ, और एक नबूवत के झूठे दावेदार के पास आका का खत लेके जा रहा हूँ, आका के खत का जवाब लेके जा रहा हूँ। जब मैं उसके दरबार में जाऊँगा उसे भी पता लगना चाहिए कि अल्लाह के आखिरी पैगम्बर का कोई कासिद आया है। खत लेकर चले गए, मुसैलमा कज़्ज़ाब को खत दिया। उसने खत देखा, पीछे से देखा, जवाब है, उस पर लिखा है कि तू झूठा है, कज़्ज़ाब है तू। उसे गुस्सा आया, उसने खत को रखा एक तरफ, कहने लगा कि मैंने जवाब तो पढ़ लिया मगर हबीब ये तुम्हारे पैगंबर का जवाब है, उन्होंने तो मुझे झूठा कह दिया, मगर तुम बताओ तुम्हारी राय क्या है मेरे बारे में, तुम मुझे क्या समझते हो, तुम्हारा ख्याल क्या है? आशिक ने इतना सुना ना तो आशिक बेसाख्ता बमांगे दुहल वहीं पे कहने लगा। हजरत हबीब बिन जैद ने फरमाया,
ओ मुसलमा तू क्या समझता है, मेरी राय अलग हो सकती है, जो मेरे आका ने फरमा दिया। मेरे आका की जबान से निकले हुए हर लफ्ज पर मेरा ईमान है, हर हर्फ पर मेरा ईमान है। जो मेरे आका ने फरमा दिया वो हक है, वो सच है। मेरे आका ने तुझे झूठा कहा है, कज़ाब कहा है, तो याद रखना मैं भी तुझे झूठा मानता हूँ, मैं भी तुझे कज़ाब मानता हूँ। इसने इतना सुना तो गुस्सा आ गया, कहने लगा हबीब जरा पीछे भी पलट के देख लो फिर जवाब दो। तुम्हें पीछे चमकती तलवारें नजर आएंगी, बर्छियों भाले नजर आएंगे, मेरे सिपाही नजर आएंगे। एक इशारा कर दूं तो तुम्हारे टुकड़े हो जाएंगे। हजरत हबीब बिन जैद ने, आशिक ने इतना सुना तो मचल गए, कहने लगे ये तलवारों से मुझे डराने की जरूरत नहीं, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा, तिलावत कर कलामे हक की हो जाएगा अंदाजा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। हजरत हबीब बिन जैद ने फरमाया तलवारें ना दिखा, इनसे ना डरा, पीछे पलट कर देखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आपने फरमाया तू पीछे पलटने की बात करता है मगर सुन ले, मैं जब घर से निकला था मुझे मालूम था क्या होगा, मैं जानता था तेरे यहाँ खत लेके आ रहा हूँ और तू कैसा बदबख्त इंसान है मुझे ये भी मालूम था, मगर सुन ले मैं जब तेरे यहाँ आ रहा था मेरी बच्चियां दरवाजे पे खड़ी थी, उनकी ममता मुझे कह रही थी हबीब पीछे मुड़ के देख ले, मेरी बीवी पीछे दरवाजे पे खड़ी थी उसका प्यार मुझे कह रहा था पीछे मुड़ के देख ले, पलट के देख ले। आपने फरमाया मैंने बच्चियों को पीछे पलट के नहीं देखा, बीवी के प्यार को पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो अब मैं तेरी तलवारों को मुड़ के क्या देखूंगा। फरमाते तेरी तलवारों को क्या देखूंगा। इसे गुस्सा आया, अल्लाहु अकबर, इस जालिम ने, इस बदबख्त ने हजरत हबीब बिन जैद को शहीद कर दिया, अल्लाहु अकबर। और इसने वो सलूक किया, कान नाक ये सब काटे इस जालिम ने, मुसला किया आपकी, आपके जसद मुबारक का। हुजूर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मिंबर शरीफ पे बैठे हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, ताजदारे मदीना की आंखों में आंसू आए। सहाबा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आंसू किस लिए। मेरे आका ने फरमाया उस जालिम ने मेरे हबीब को शहीद कर दिया है। हुजूर गमगीन हो गए, मगर थोड़ी देर के बाद में आका मुस्कुराने लगे, ताजदारे मदीना के लबों पे तबस्सुम आ गया। साबार्ज करने लगे आका अब मुस्कुराहट क्यों, तबस्सुम क्यों। मेरे आका ने फरमाया सुनो, हबीब ने उधर मेरी मोहब्बत में जान दी है, उधर फरिश्ते उसकी रूह को लेकर चले हैं, उधर अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, निदा कर दी, परवरदिगार ने फरमा दिया ऐ फरिश्तों हबीब आ रहा है, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो, हबीब का कोई हिसाब किताब नहीं होगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत के जिस दरवाजे से हबीब जन्नत में दाखिल होना चाहे, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो, जिस दरवाजे से चाहे उससे जन्नत में दाखिल हो जाए। जूर फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हबीब को ये एजाज अता फरमा दिया है। तो मेरे अजीजों, ये ईमान की दौलत बड़ी दौलत है, आका की मोहब्बत बड़ी दौलत है। ये दौलत अगर चली गई तो समझना कुछ नहीं बचा। यहाँ तो टके टके पे लोग ईमान का सौदा कर रहे हैं, कोई रियाल पे करता है, कोई डॉलर पे सौदा करता है, कोई इंडियन करेंसी पे, रुपया पैसा पे, डॉलर यहाँ की करेंसी पे ईमान का सौदा कर देता है। मगर ये ईमान के सौदागर, ये ईमान के खरीदने वाले और ईमान बेचने वाले,
ये समझ लीजिए, जान लीजिए, ये इस वक्त के दज्जाल हैं और उन दज्जालों में से हैं जो कयामत से पहले मेरे हुजूर ने फरमाया कि दज्जाल आएंगे, ये वही दज्जाल हैं। अल्लाह ताला इनके शर से हम सबको महफूज फरमाए।